महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल से बाहर आए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम शिवसेना में हैं, हम शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं। बड़ी बात यह रही कि एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया कि उनके साथ 50 विधायकों का समर्थन है और सभी गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। वो जल्द ही मुंबई लौटेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी संकट में मंगलवार को बड़ी घटनाएं देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, दूसरी तरफ गुवाहाटी के होटल से एकनाथ शिंदे बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत की। एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि गुवाहाटी के होटल में मौजूद कोई भी विधायक दवा नहीं है, यहाँ पर सब खुश हैं, विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने शिवसेना को उन विधायकों के नाम सामने लाने का चैलेंज दिया जिनके पार्टी के संपर्क में होने के दावे किए गए थे। एकनाथ शिंदे का बयान इस मायने में शिवसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे तक ने दावा कर दिया था कि कई विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, कई बागी विधायक वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बयान पर इतना ही कहा कि अगर विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं तो उनके नामों का खुलासा कर देना चाहिए। इन सब के बीच ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि शिवसेना के बागी विधायक और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना सकती है। इसमें एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के कयास भी लग रहे हैं। दावा किया जाता है कि शिंदे गुट के विधायकों में से 8 को कैबिनेट मंत्री और 5 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।